विकास सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी आज प्रचार में पूरी ताकत झोंकेगी। जहां सीएम योगी आज झांसी और प्रयागराज में चुनावी हुंकार भरेंगे और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज, श्रावस्ती और गोंडा के दौरे पर रहेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मंगलवार सुबह पहुंचेंगे। बता दें कि लूकरगंज प्रयागराज में जनसभा भी करेंगे। इसके बाद दोपहर जूनियर हाई स्कूल विनघा में रैली में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3:05 पर रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। बता दें, निकाय के रण को देखते हुए सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सीएम योगी खुद मैदान में उतरे हुए हैं। बता दें कि बीजेपी आज पूरे ताकत के साथ प्रचार करेगी। नगर की सरकार, वहीं बीजेपी का मेगा प्रचार लगातार जारी है। बता दें कि सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं और चुनावी मैदान में हर पार्टी अपनी पूरी पूरी ताकत झोंक रही है। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं और गोंडा से हमारे साथ मुजीद जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले पवन का रुख करूंगी। पवन, निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार का जो आखिरी दिन है, वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां सीएम योगी और डिप्टी सीएम आज प्रचार करेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल मयूरी, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। प्रयागराज के लूकरगंज में अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर पूरे चुनाव पे अगर हम नजर डालें तो आज मुख्यमंत्री का दौरा निकाय चुनाव में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी 4 मई को पहले चरण में प्रयागराज में निकाय चुनाव का मतदान होगा। ऐसे में आज मुख्यमंत्री प्रयागराज के आगमन को लेकर यहां पर तमाम तैयारियां की गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अवैध सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और कुछ ही देर बाद प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन में उनका उड़न खटोला उतरेगा। वहां से वो कार के रास्ते लूकरगंज जनसभा मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आगमन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी मयूरी, हमारे साथ गोंडा से मुजीब भी जुड़े हुए हैं। मुजीब, गोंडा में भी सीएम योगी का दौरा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा, क्या कुछ शेड्यूल है? मुजीब, आपको आवाज आ रही मेरी? मुझे भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं गोंडा में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जमकर प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा? जी, जहां उत्तर प्रदेश वही गोंडा जनपद की अगर हम बात करें तो यहां भी अपनी बीजेपी पार्टियों के प्रचार में आज जो है मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य 3 से 4 तक उनका कार्यक्रम गोंडा में है। मुझे सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, आपको सुरक्षा के बारे में बता दें कि यहाँ सुरक्षा के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। आज ही अभी 1 घंटे पूर्व में ही 1 लोगों की हत्या कर दी गई, 1 को इंजर्ड कर दिया गया, जो भी उसकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस तरीके से आज मुख्यमंत्री के आगमन पे इस तरीके से हत्या होना एक बड़ा परिस्थिति लगता है।
जी पवन, देखा जाए सीएम योगी एक भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाते हैं, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और जो उनकी छवि बनी हुई है बुलडोजर बाबा के नाम से, अब वो खुद प्रत्याशियों के वोट के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल मयूरी, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आगामी 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान है वो प्रयागराज में होना है, और जो आज सबसे बड़ी बात है इस पूरे सभा के दौरान उसी मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है जिसको बीते दिनों पूर्व पीडीए द्वारा माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई थी, और उसी स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उस स्थान पर भूमि पूजन किया गया था, और कहा जा रहा है कि उसी स्थान पर वो फ्लैट बनाए जाएंगे जो पत्रकारों तथा अधिवक्ताओं को वहां पर आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लूकरगंज के उसी मैदान पर यह जनसभा काफी महत्वपूर्ण होगी, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार माफियाओं पर बुलडोजर से कार्यवाही की गई है, ऐसे में जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी तमाम स्थानों पर यह तस्वीरें दिखाई है जब वो बुलडोजर से जनसभाओं में पहुंचे हैं, तो मतलब तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि प्रयागराज में वो तमाम कार्यवाहियां देखने को मिली है जब माफियाओं पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर से कार्यवाही की गई थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है बस वो कुछ ही क्षणों में जनसभा में पहुंचने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री का आज यह जनसभा निश्चित रूप से आगामी निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद इनका उड़न खटोला चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएगा। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम पुलिस की टीमें बीते कल से ही लगातार डेरा डाले हुए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कहा जा रहा है कि अवैध सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जनसभा को संबोधित करेंगे। जी मयूरी जी, धन्यवाद पवन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए, मुझे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि निकाय चुनाव के रण को देखते हुए सभी पार्टियां एकदम से तैयारियों में जुटी हुई हैं, कोई भी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीएम योगी खुद मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बता दें निकाय चुनाव के पहले चरण का आज प्रचार का आखिरी दिन है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में जनसभा करेंगे, इसके बाद दोपहर वह जूनियर हाई स्कूल बिनगा में रैली में शामिल होंगे, इसके बाद दोपहर 3:05 पर रामलीला मैदान गोंडा में जनसभा करेंगे। बता दें नगर की महाभारत को देखते हुए सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हुए हैं, तमाम जिलों में जनसभा कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रदीप से। बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी मैदान में उतरी हुई हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम जिलों में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम भी मैदान में उतरे हुए हैं और आज भी वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एकदम से एक्शन मोड में नजर आ रही है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, वहीं सीएम योगी और डिप्टी सीएम कई जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल मयूर जी, सही से स्थानीय नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तक जो है प्रचार प्रसार सभी राजनीतिक पार्टियों का बंद हो जाएगा, इसके बाद 4 मई को जो है मतगणना होगी।
और उसके बाद बता दें आपको कि आज आखिरी दिन है जिसका पूरा का पूरा फायदा सभी राजनीतिक दल उठाने में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो एक्शन मोड में दिख रही है, अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रही है, तमाम वादे जो है वो करती दिख रही है और जो योजनाएं हैं उनको गिना रही है। इस निकाय चुनाव में तमाम तरह की चीजें जो है वो सभी बड़े नेताओं के द्वारा देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री खुद जो है कानून व्यवस्था पे बात करते हैं, बेहतर कानून व्यवस्था पे बात करते हैं। और आज आखिरी दिन जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हुंकार भरी है नगर निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने एक जिम्मा एक नेतृत्व जो है वो संभाला है उत्तर प्रदेश में और उसे बेहतर तरीके से निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां सीएम योगी आज झांसी प्रयागराज में चुनाव प्रचार करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में वो वोट की अपील भी करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज, श्रावस्ती और गोंडा के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अगर बात की जाए तो तमाम बड़े जो नेता है वो आज अलग अलग जगहों पे चुनाव प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले चरण का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो जी जान से जुट गया है और आखिरी दिन भी कुछ ऐसा कर दिखाना चाहता है जिससे उसके पक्ष में वोट हासिल हो। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर दौरे पर हैं, जहां अखिलेश यादव महापौर पद के प्रत्याशी नूर हसन मलिक और पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए महानगर में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद अखिलेश यादव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अखिलेश यादव दोपहर करीब 12:45 पर कुतुब शेर से शुरू होगा। बता दें कि अखिलेश यादव आज भव्य रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। वहीं अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बता दें सहारनपुर दौरे पर अखिलेश यादव हैं आज। बता दें निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है और सभी पार्टियां इसको देखते हुए मैदान में उतरी हुई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं अखिलेश यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो रोड शो करेंगे और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, निकाय चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी एक्शन मोड में जुटी हुई है एकदम से। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं अखिलेश यादव आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है उसका आज पहले चरण का जो चुनाव का जो प्रचार का समय होगा वो समय सीमा 5 बजे तक रहेगी, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के जितने भी पार्टियां हैं वो पार्टियां अपने दमखम दिखाने के लिए जुटी हुए हैं। आज अखिलेश यादव की बात करें तो वो सहारनपुर में है, वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वो जनसभा करेंगे और रोड शो करेंगे, रैली निकालेंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है वो वहां पर महापौर पद के प्रत्याशी नूर हसन मलिक और पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए वो रोड शो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस तरीके से 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो वहां पर वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए पार्षद प्रत्याशी और महापौर पद के प्रत्याशी के लिए वो चुनावी जनसभा करेंगे और वहां पर वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। अभी वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे और उन्होंने वहां पर जनसभा की थी और एक बड़ी जनसभा की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव भी अब वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे पीछे हम लखनऊ में इस समय मौजूद हैं, यहां पर भी ये शंकरपुरवा वार्ड है लखनऊ का, यहां पर भी आज एक रोड शो का तैयारी हो रहा है, रैली की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 4 तारीख को वोटिंग है। इसके लिए आज पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, वो अपना दमखम दिखाने के लिए जुटे हुए। रितेश, अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो वहां कैसी स्थिति बनी हुई है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन किसको टक्कर दे सकता है? देखिए मयूरी, सहारनपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश के किसी भी निकाय की बात की जाए तो अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि किसकी टक्कर किसके साथ है। फिलहाल समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में वो जोश दिख रहा है,
वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, जितने भी जिले हैं, यानी पहले चरण में 9 मंडल में जो चुनाव होने थे, 9 मंडल में वो जितने भी जिले पड़ रहे थे लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे। अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव आज पहुंच रहे हैं सहारनपुर में महापौर पद के प्रत्याशी और पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए वो चुनावी जनसभा करेंगे, उसके बाद 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की बात कही जा रही है। जी रितेश, देखा जाए तो ये निकाय चुनाव में जो सीधी टक्कर मानी जा रही है वो भाजपा और सपा के बीच मानी जा रही है। सहारनपुर में सीएम योगी पहले ही जनसभा कर चुके हैं, तमाम रैलियां भी कर चुके हैं, अखिलेश यादव अब मैदान में उतरे हैं, तो क्या लग रहा है कितना टक्कर दे पाएंगे एक दूसरे को निकाय चुनाव में? देखिए बिल्कुल सही बात कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर चली है। अगर इस नगर निकाय चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो भी अपना दम दिखाने दिखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो पूरी तरीके से निकाय चुनाव की कमान अपने कब्जे में लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार वो बनाना चाहते हैं, तो जिसको लेकर के सभी पार्टियों में उत्साह भरा हुआ है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। फिलहाल अगर टक्कर देखी जाती है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। रितेश, अभी आपने बताया कि जहां आप मौजूद है वहां रैली की तैयारी की जा रही है, एक बार तस्वीर दिखाने की हमारे दर्शकों को कोशिश करें। रितेश, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जिस जगह खड़े हैं वहां पे समाजवादी पार्टी द्वारा रैली की तैयारी की जा रही है, उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। मैं बताऊं कि मैं संगम पूर्वा वार्ड में हूं और यहां पर रैली की तैयारी की जा रही है। यहां के पार्षद प्रत्याशी अनीता पाल है, रामपाल की पत्नी, को यहां से अभी रैली निकालने वाली है। कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है और लगातार वो रैली के लिए संगठित हो रहे हैं, रोज यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब यहां से रैली संगम पूर्वा वार्ड में निकाली जाएगी। अब ये यहां पर कुछ लोग हैं, आप किस वार्ड से हैं? किस वार्ड से हैं? कौन सा वार्ड है? क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था होने जा रही है, कैसी रैली निकले? हमारे साथ पार्षद जो प्रत्याशी है उनके पति यहाँ पर है रामूपाल, अभी रैली निकलने जा रही है, आज चुनाव प्रचार थमने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो प्रत्याशी है उनके पति है, उनके प्रतिनिधि है रामूपाल, उनसे बात करते हैं क्या व्यवस्था है। बाइक रैली निकाली जाएगी और उस क्षेत्र में क्या लगता है कि अगली बार चुनाव में आप तीन बार से यहाँ पर माहौल बन रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, जनता हमारे साथ है, तो हमें विश्वास है कि हम लोग भारी तो जीतने के बाद सबसे पहले आपका काम क्या होगा क्षेत्र में? जीतने के बाद सबसे पहला मैंने यहाँ बताया भी पहले भी कि हमारे यहाँ जल निकासी पे हमें मुख्य काम करना है। जो जल भराव होता है, एक नाला हमको मैकालिक बनवाना है और बनवाना है, और बाकी जैसे हमारी काम करवाना है और साफ सफाई व्यवस्था पर्याप्त करानी है और पुरानी निस्तारण। तो आपने देखा यहाँ पर संकट पूर्वा वार्ड के जो प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि जीतने के बाद जो यहाँ समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है या आक्रमण की समस्या है, उस समस्या को दूर किया जाएगा। फिलहाल तीन बार से पार्षद रह चुके हैं यहाँ पर शंकरपुर वार्ड से, आज ये रैली निकाल रहे क्योंकि चुनावी प्रचार आज 5 बजे थमने वाला है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हो रहे और जनसभा करेंगे, यहाँ से रोड शो निकालेंगे, रैली निकालेंगे, उसके बाद ये चुनाव प्रचार थमेंगे। तो रितेश, ये चुनावी रण है और चुनावी रण को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसे मौका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बता दें निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं अखिलेश यादव भी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। बता दें कि अखिलेश यादव आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।